तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो एक बार मैग्नेट है मेरे पास यहाँ पे, ये इसका नॉर्थ पोल है हमारे पास में, ये इसका साउथ पोल है। छोटे मैग्नेटिक कंपास को मैं साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में पहले रखूंगा इधर की तरफ, साउथ साउथ पोल की साइड। कंपास की नीडल किधर की तरफ पॉइंट कर रही है? अंदर की तरफ कर रही है, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया इधर की तरफ। अब सेम डायरेक्शन में मैं दूसरा कंपास रखूंगा, किधर की तरफ पॉइंट कर रही है? इधर की तरफ। तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ आ गया। तीसरी पॉइंट आपकी किधर की तरफ कर रही है? इधर की तरफ। तो ऐसे करके मैं पूरा का एरो, पूरा एरो बना लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर इन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ तो मेरे पास क्या आया, एक इस तरह का कर्व आया। अब मैं इस तरीके से अगर इधर ले आऊं तो इधर भी मेरे पास में क्या आया, एक इस तरह का कर्व आया जिसमें डायरेक्शन किधर की तरफ है, नॉर्थ से निकल रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ में एंटर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये यहां से जो है मैग्नेट के साउथ से अंदर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ नॉर्थ में। तो ये क्या बनेगा, एक इस तरह का आपका पूरा क्लोज कर्व बन जाएगा। ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके क्लोज कर्व होते हैं।